भैया आप म्यूट हो। सर माइक तो अनम्यूट करो आप। भैया अभी भी म्यूट हो आप। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, इतनी देर से मैं कुछ पूछ ही रहा था कि कोई बच्चा बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, प्लीज आप ये फॉर्मेट बना लें। नया चैप्टर चालू हो रहा है, ट्रायल बैलेंस आज ही चालू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही चालू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाए प्लीज आप। क्या जूम के बच्चों ने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया? बना नहीं सर अभी बना रहे हैं। लो, तुम लोग पार्टी में आओगे? मतलब मैं बर्थडे पार्टी दूंगा तो मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं आएंगे? मतलब ऐसा होगा ना कि मैंने अगर प्लेट कर दी उतनी और आए ही नहीं तो उतने प्लेट के पैसे चले जाएंगे। मतलब जो आप यहाँ पे रेगुलरली आते हैं वो तो आएंगे ना, 12th तो पूरी आ जाएगी। अरे बहुत अच्छे तरीके से खाना, बड़ी जगह देखेंगे कोई। चिकन खाएगा, नॉन वेज खाएगा, वो वेज खाएगा, वेज की बिरयानी होती है, पुलाव होते हैं वो। ओके तो सबसे पहले हमने बनाया था जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद हमने बनाया था लेजर। लेजर में हमने ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, बाय बैलेंस बैरी डाउन ब्रॉट डाउन करा था, तो ये होता है हमारा बैलेंस, यानी हमारे उस अकाउंट में इतने रुपए बचे हैं। फर्नीचर अगर 10,000 का था, बैलेंस अगर 8,000 का है, तो उसका मतलब क्या है सर? फर्नीचर की वैल्यू कितनी की रह गई है? 8,000। तो ये बैलेंस हम हर साल एंड में लिखते हैं कि कितना बैलेंस रह चुका है। तो इन बैलेंस को जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं हम? ट्रायल बैलेंस।
इसको करने का केवल एक ही सिद्धांत है, बस एक ही सिद्धांत। आप ये बताओ कि असेट बढ़ते हैं तो कहां आते हैं? बहुत बढ़िया। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो कहां आती है? क्रेडिट। एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो कहां आते हैं? और इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। कैपिटल अगर बढ़ती है तो, और ड्राइंग अगर बढ़ती है तो डेबिट। ड्राइंग के लिए भी होता, ड्राइंग कैपिटल को उल्टा करते हैं एक तरीके से। ये फॉर्मेट याद है सबको? ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। आपसे पूछते हैं कि फर्नीचर क्या होता है, आपसे पूछते फर्नीचर क्या होता है? असेट। क्वेश्चन में फर्नीचर क्रेडिट में लिख रखा हो तो आपको किसमें लिखना है? बस डेबिट में। इसमें उतार चढ़ाव से मतलब नहीं कितना बड़ा कितना घटा है, इसमें ये मतलब है कि भैया असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। कैपिटल का कौन सा होता है? क्रेडिट। और ड्रॉइंग का कौन सा होता है? डेबिट। मैंने आपसे पूछा आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात बची हुई सैलरी लायबिलिटी है, तो उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। बस उल्टे सीधे जगह पे दे रखे हैं, आपको उसको सीधे सीधे जगह पे लिखना है। अब वो लिखा कैसे होता है, अब मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ। पहले नॉर्मल एक ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं, नॉर्मल एक ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल 3 लाख, फर्नीचर 4 लाख, डेटर 50,000, प्रोविजन, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डेट 4 लाख, बैंक 30,000, कैश 20,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000, सैलरी 30,000, डिस्काउंट लिखते हुए चलना इसको बाद में, है ना अभी, डिस्काउंट रिसीव 5,000, डिस्काउंट अलाउड 10,000। ये लिख लो पहले, फिर बीच हो जाओगे, एकदम चालू भी करना है। लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो। बेटा मैं तुम्हारा नाम तो पूछ रहा हूँ, लिख लिया देव, तुम्हें देव अब जो जो जा रहा है वो गा रहा है मेरे घर में यार। प्रोविजन फॉर डेट, का मतलब होता है डेट। प्रोविजन फॉर डेटर लिख लिया तुम लोगों ने, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। तो मैं देखने में देव का तो रही, देव लिखाऊं और ऊपर, ठीक है
लिखे लिखे पर है? ओके चलो लिखते हुए चलना, थक जाओगे, इतना लिखेंगे हम। रिजर्व, बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। जल्दी करो, इतने तो मैं भी इतनी देर लिख रहा हूँ। हो गए 10-12 हो गए होंगे टोटल मिला के, 12 हुए अभी तक। हाँ तो 50-60 लिखेंगे। नहीं नहीं जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे लिखवाते जा रहा हूँ। बेटा लिखते चलो, सब बताएंगे। आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। हाँ यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन है। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल कितने हो गए हैं?
34 ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय भाड़ा कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड टेक्स लिखवा दिया मैंने चलो इतना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारने से पहले फॉर्मेट में उतारने पहले सबके आगे ये बता दो कि ये असेट है लाइबिलिटी है क्या है ये सब कुछ बस ऐसे करना चाहता ये है कैपिटल क्या है कैपिटल है कैपिटल क्या है कैपिटल है फर्नीचर क्या है असेट है डेटर क्या है असेट है ऐसे लिख के दिखाओ सब कुछ भेजे वो पक भेजे उपकरण है उपकरण जरा भैया उधर मेरा है क्या हल्का सा देख मैं ऐसे कर दे रहा हूँ अपनी स्क्रीन को जूम 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 आउट कर लियो ठीक है जूम इन ठीक है भैया जो आया वो लिखता है बहुत सारी चीजें ऐसी जो भी नहीं बहुत सारी चीजों का इसीलिए लिख पाए कोई बात नहीं चीजें तो पता नहीं है आप मतलब कितना कितना पढ़ाई कितना जानते हो उसमें अब कैश क्या होता है तो क्या रखता है असेट है लायबिलिटी है तो अपने में तो गलत तो कभी नहीं होता है ठीक है ठीक पॉइंट है तो अगर तुम दोनों देखो लोग कुछ नहीं एक दूसरे को देगा तो कपूला 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 चीटिंग करके लाते हैं करिश्मा मुझे
अपनी कॉपी से मतलब अपने हो गया ठीक है। किन किन की कॉपियां रह गई हैं चेक करने को? बच्चों जूम के बच्चों कर लिया तुम लोगों ने? कर लिया बच्चों? अरे जूम के बच्चों कर लिया? तो यार बोल तो दिया करो, नहीं किया किया कुछ तो बोलो। हाँ भैया कर लिया। बाकी बच्चे है ही नहीं क्लास में क्या? कनिष्का हो गया काम बेटा? हाँ भैया हो गया। चलो ओके उदय प्रियांश की कॉपी ले लो और अपनी कॉपी दे दो उसको। प्रियांश बेटा दे दे, कोई बात नहीं जो होगा अब उसको देख के मत कर बेटा, अपनी देख तो फिर दे दे, कोई बात जल्दी कर दे जल्दी लिख। ठीक है मैं जिस जिसको कॉपी दूँ वो चेक करेगा। देवांशी कॉपी शुभ को दे दो, करण को दे दो, सॉरी खुश को दे दो, खुश और खुश की कॉपी क्या कहते हैं उसको दे दो अरुण को, वो देव को, देव चेक करेगा। नहीं ऐसे कहते बदल लो जब बता रहे। क्षितिज अपनी कॉपी लो उठा और हर्ष को दो, और हर्ष की कॉपी ले आके क्या कहते हैं मैंग को दे दो। अरे हो गया बेटा तो दे दे, दे दे बेटा जानवी अपनी कॉपी, तुम चेक करना खुद अपनी कॉपी बेटा और पीछे दो उसको प्रियांश को, प्रियांश तुम अपने पास रखो जैसा रहा भी हो तो। किसकी? मयंक की कॉपी उठाओ, अरुण को दो। अभी रुक जा करवा रहा हूँ तुम्हें कौन सी है? अरुण इसको दे दो। सबके पास अलग अलग कॉपियां हैं? किस तुम्हारी कॉपी नहीं है ना? कोई वो दिक्कत नहीं है। पंकज की कॉपी किसके पास है? पंकज के पास है। पंकज अपनी कॉपी दे दो बेटा पीछे, कुछ तो किया है, कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी कॉपी किस पे दे दी? नहीं दो प्रियांशु को। तुम्हारी कॉपी कहाँ पंकज? अपने पास रखो। शान सब लोगों के पास कॉपियां हैं? कैपिटल हमारी। अब देखो आपको आपको जो सही है उसको सही नहीं करना, जो गलत है
उसको क्रॉस करना है, उसके आगे सही लिखना है, सही आंसर, ठीक है ना? समझ में आ गया? कैपिटल, कैपिटल होती है, फर्नीचर असेट होता है, डेटर असेट होता है, सारे प्रोविजन लायबिलिटी होते हैं, बैंक असेट होता है, कैश असेट होता है, रेंट। अरे अभी थोड़ा आराम तो कर दिया, रुक मेरे, रुक भी गया, पॉज भी ले लिया था, नहीं लिखा हुआ तो उसको एक ऐसे क्रॉस कर दे, हाँ तो क्रॉस कर दे, उस जगह पे एक पॉइंट लगा दे कहीं पे भी, एक एक शांत चेक करा रहा हूं मैं। रेंट सारे के सारे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, से बेटा चेक करने को जरा, उसमें भी बात करनी है, और अधूरे पूरे के पूरे किसकी है, क्या किया जीते यार, चेक कर लो। सैलरी एक्सपेंस होती है हमारी, डिस्काउंट रिसीव हमें मिला है तो इनकम है, और डिस्काउंट दिया है तो एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस देख लेना बेटा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस स्क्रीन पे देखते हुए चलो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। रिजर्व, रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, बैंक लोन लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। चारों लायबिलिटी है, रिजर्व लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट छोटा लोन होता है, मैंने परसों बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया था, लायबिलिटी लायबिलिटी रिजर्व वो होता है जो पैसा तुमने जमा करके रख रखा होता है, वो लायबिलिटी, वो कैपिटल जो क्या कहते हैं इंसान लगाता है बिजनेस में, वो लायबिलिटी होती है, कैपिटल में लिखते हैं ना, मैं लायबिलिटी की होती है वो। ऐसी रिजर्व भी कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी होती है, या कैपिटल बोलो। देखो लायबिलिटी दो तरीके की होती है, ध्यान रखो, लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहर के लोगों की लायबिलिटी होती है, मतलब कि क्रेडिटर लोन वोन, और एक होती है इनसाइड लायबिलिटी। इनसाइड लायबिलिटी मतलब ओनर ने जो पैसा लगा रखा है, कैपिटल, सारे के सारे प्रॉफिट, सारे के सारे रिजर्व, वो इसके पास। क्या चीज, हाँ सकती है, नहीं नहीं आंसर तो तुम वही लिखोगे, रिजर्व को लायबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग असेट होती है आपकी, बैड डेट एक्सपेंस होते हैं, बैड डेट होता है मरा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा एक्सपेंस होता है, और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लिया होता तो बैड डेट की अगर जनरल एंट्री याद होती तो बैड डेट डेबिट होता, और डेबिट होने वाली चीज, सॉरी डेबिट होने वाली चीज दो ही होती है, या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा। बैड डेट कहीं से भी दूर दूर से असेट नाम सुनाई नहीं दे रहा, फीलिंग ही नहीं आ रही, बची क्या, एक्सपेंस। कमीशन डेबिट साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सपेंस है, कमीशन क्रेडिट इनकम है। कमीशन डेबिट का मतलब होता है कमीशन पेड, और कमीशन क्रेडिट का मतलब होता है कमीशन रिसीव। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा पैसा जो मिला नहीं है असेट होता है आपका। प्रीपेड वेजेस असेट, वेजेस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग कमीशन एक्सपेंस, वो सॉरी लायबिलिटी, परचेज एक्सपेंस, सेल इनकम, सेल्स पहले जो गलत हो बेटा गलत कर देना, ठीक है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थे सेल्स रिटर्न जस्ट उल्टा हो जाएगा इनकम का, परचेज रिटर्न इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक असेट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, मोटर व्हीकल असेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
टैक्स एक्सपेंस खर्चा है देना है। और तुम्हारे लिए एक तुम्हें याद करने का तरीका बता दूं, शायद तुम्हारे टीचर ने ना बताया वो, जितनी भी चीजें लायबिलिटी में आती हैं, वो सॉरी जितनी भी चीजें क्या कहते हैं पी एंड एल अकाउंट में आती हैं, पी एंड एल अकाउंट पढ़ा ना तुमने, तो जो डेबिट साइड होती है ना वो सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं, और जो क्रेडिट होता है ना वो सारे की सारी इनकम होती है। तो अगर तुमने बैड डेट अगर पढ़ा हो तो बैड डेट तुम्हारा क्या कहते हैं लायबिलिटी पी एंड एल में डेबिट साइड लिखा जाता है, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली। और तुमने क्या लिखा समझ गया, कभी भी आंख बंद करना पता कर लो, ऐसे पता लग जाएगी चीजें। तो मैं ये सब कुछ बना रहा था ना तो मैं पी एंड एल को दिमाग में रखा, तुम लोगों के लिए नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था अभी इनडायरेक्ट। बिल रिसीवेबल पर ये तुम्हारे टीचर ने मैसेज मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत गलत किया है, कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और ये सारी चीजें पहले कभी नहीं पढ़ानी चाहिए बच्चों को, अभी बेसिक रूल्स ही नहीं बचा, अभी 11th क्लास में आया उसको तुमने बिल्कुल एक्सट्रीम चीज पढ़ा दी, बिल्कुल एक्सट्रीम, तो गलतियां होने के चांसेस फिर बता दिमाग में उथल पुथल होती है, अभी आगे चल के उथल पुथल होगी आगे। बिल रिसीवेबल असेट होता है, बिल पेबल लायबिलिटी होता है, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस होता है, ऑक्ट्रॉय का मतलब भाड़ा, कैरेज इनवर्ड भाड़ा, कैरेज आउटवर्ड भाड़ा, चेक कर लो इस पूरा मैंने खोल दिया। अब चेक करो किस किसके कितने मार्क्स हैं, जितने पहले गलतियां चुन लो, गलतियां कितनी है, जूम के बच्चों कितने कितने मार्क्स आए कोई बताएगा, योगेश भैया मेरी 10 गलतियां, योगेश कितने आए भैया भी बताता हूँ 2 मिनट। अच्छा अद्रिका कितने, अद्रिका कितने आए, अद्रिका कितने आए, भैया 10 गलतियां हैं। ठीक है आरुषि कितनी गलतियां हैं, भैया 15 गलतियां, बोल बोल भैया 11 है, कनिष्का भैया 6 है, 6 गलत है बस, ये 6 आए हैं नहीं 6 गलत हुए हैं, बहुत बढ़िया। खुशी भैया 10 गलत है, ख्याति आवाज नहीं आ रही, 12, 13, 14, 15, 16, 17 महक, मेरा 11 गलत है, तान्या पांडे सर 9 गलत है, बेटा उदय देव से पूछ कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, कहाँ आ रहा है, टेस्ट के टाइम पे भाग जाता तुरंत ही, तो कल भी भाग गया था, परसों भी भाग गया था,
नहीं उसे अपनी कोचिंग में जाके बोलना यहाँ पे आना पड़ेगा, छुट्टी है ना। ठीक है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस इतना इजी चैप्टर था कि मेरे को ये क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया ना, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे होता है तो चेक करो, पर्टिकुलर लिखा मैंने, डेबिट लिखा मैंने, क्रेडिट लिखा मैंने, लेजर फोलियो, सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल, कैपिटल का आंसर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट होता है तो 3 लाख क्रेडिट लिख दो। आगे पढ़ो दूसरा, फर्नीचर क्या होता है हमारा, एसेट, एसेट क्या होते हैं हमारे, डेबिट, तो क्या लिख दो, एक काम और करें प्लीज, एक काम करें चालू करने से पहले, कैपिटल, कैपिटल होता है तो क्रेडिट होती है, फर्नीचर असेट होता है तो डेबिट होता है, डेटर होता है तो डेबिट, प्रोविजन अगर ये होता है तो ये सारी चीज लिख के दिखाओ, जल्दी लिख के जाओ, जल्दी लिख के जाओ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस 37 तगड़ा केस है भाई, तगड़ा। सर हो गया, लिखने तो बाकी को लिखना, तुम्हारे तुम्हारे गलत क्या के सही लिखे नहीं लिखे, इसने सबके गलत क्या के सही लिखे हुए ना, करें लोग काम, क्या नाम आ रहा तू, प्रोविजन, प्रोविजन बनाना होता है कि भाई आने वाले टाइम में कोई नुकसान ना हो जाए, उसकी तैयारी अभी से करके चले, लायबिलिटी होती है, सारे प्रोविजन होते हैं लायबिलिटी, सारे रिजर्व एंड प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रोविजन और रिजर्व में बस एक ही फर्क होता है, रिजर्व अपने इच्छा से बनाए जाते हैं, प्रोविजन जबरदस्ती बनवाए जाते हैं। पढ़ाओ बेटा, अच्छा फर्नीचर के बाद क्या था, डेटर क्या है, असेट, असेट क्या होता है, कितने रुपए,
करते हुए जाओ पूरा का पूरा क्वेश्चन। कौन सा है Thank you.
घूम के बच्चों कर लिया कोई मेरे को रिपीट करता वो चले चौदह क्या हो गया हो गया आ गया चल जितना बोलो फोर्थ बोलो क्या प्रोविजन फॉर डेथ स्टार्टअप पहले इनको करने दो कितने रह गए कितने पॉइंट रह गए सात आठ क्यों तो दूसरी साइड लिख दे तीन सात पेपर में भी ऐसी करता है क्या कोई बात नहीं मम्मी का नंबर है मेरे पास मोस्टली लोगों को बैड डेट कमीशन परचेज में दिक्कत ज्यादा हुई बैड डेट तो सबका ही गलत था बोलो जो जिसका नहीं हुआ वो चेक करता वो चले दस हजार डेबिट पांच हजार आगे तीस हजार कमीशन डेबिट छह हजार दस हजार ये कर जरूर लेना बेटा अभी कॉपी चेक करने आ रहा हूँ मैं प्रीपेड वेजेस अपने में देखना क्या है अक्रूड इंटरेस्ट प्रीपेड वेजेस के बाद
आउटस्टैंडिंग कमीशन 1000 रुपए। टैक्स इतना है? तुमने बोल दिया वेजेस क्या बोलो? आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए। आउटस्टैंडिंग कमीशन 1000 रुपए। परचेज 60,000 है। परचेज 60,000। हाँ। सेल्स रिटर्न 60,000 है। सेल्स रिटर्न 10,000 6,000 टैक्स इतना बोलो। मोटर व्हीकल 6,000। मोटर व्हीकल आगे एप्लीकेशन 5,000। आगे बिल्डिंग सिग्नेचर 23,000। 23,000 आगे बिल पेबल 40,000। 40,000 बिल पेबल तो क्रेडिट होगा कितना? 17,000। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। आप डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे और कहीं अलग जगह पे लिखेंगे डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखेंगे कल समझाऊंगा। इसके बाद एक और चीज लगी है वो कल समझाई जाएगी। अटेंडेंस का टाइम है अभी अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा अपडेट आते हैं फेसबुक के। क्या मेरे ऑटोमेटिक अपडेट रहते हैं मोस्टली ज्यादातर नहीं रात को अपने एक टाइम पे लगा उस टाइम पे अपडेट होते हैं। अद्रिका प्रेजेंट। अरुण आरुषि प्रेजेंट भैया। बोल प्रेजेंट भैया। देव देवांश हर्ष हर्षित विरवाज हर्षित हर्षित जानवी काजल कनिष्का प्रेजेंट भैया। खुशी प्रेजेंट भैया। कोमल क्षितिज नंदा लक्ष महक प्रेजेंट भैया। मयंक पंकज प्रियांश प्रियांशु सचिन संजना तान्या प्रेजेंट सर। उदय
वंशदा वंशदा योगेश प्रेजेंट भैया ख्याति 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 आवाज क्यों नहीं आ रही चलो ठीक है